नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सरकारी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट वन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप जल्दी से अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसकी आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लेना कि आप कैसे क्वेश्चन आ रहे थे उस एग्ज़ाम में, और आने वाले समय में 2019 की एग्ज़ाम होगा उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे उसका आपको पूरा पूरा पता लग जाएगा। और इसके साथ ही सामान्य ज्ञान व विज्ञान के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम साथ ही साथ पढ़ लेंगे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। बहन, मामी, चचेरा भाई और माँ, इनमें से एक उत्तर होगा जो आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस निरंतर बनी रहेगी। दोस्तों इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, बहन। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यह जमीन के साथ 6 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की अज्ञात दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करनी है आपको दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की। तो इसका ऑप्शन है जो 10 मीटर, 17.32 मीटर, 34.64 मीटर और 30 मीटर। तो इनमें से सही उत्तर है दोस्तों इसका ए, 10 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के विज्ञान विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीट विज्ञान और पक्षी विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल के प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, स्मैश, वुड शॉट, हेयर पिन शॉट और ड्राइव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, स्मैश। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रीजनिंग से ये प्रश्न है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो अभिव्यक्ति की मूल्य की गणना करें। तो 35 - 5 + 6 × 7 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 45, 49, 55 या 51। तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, 49। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, तो इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या योगफल ज्ञात कीजिए। तो 140, 220, 240 और 180, इनमें से सही उत्तर आप जान लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा प्रश्न को। सही उत्तर हम जान लेते हैं, इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 220। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस भाग का अर्थ माइनस है, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करें। 15 + 7 × 12 / 7। तो इसका सही उत्तर होगा 110, 107, 104 और 100। इनमें से क्या सही उत्तर होगा तो ये चेक कर लेते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, 110। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक प्रिंटर है उसकी गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है दोस्तों। अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट और पृष्ठ प्रति मिनट और शब्द प्रति मिनट, CPM, IPM, PPM और WPM। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, पृष्ठ प्रति मिनट PPM। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनें। तो लोइन को रोर कहा जाता है, तो ओवल को क्या कहा जाएगा, तो ओवल को दोस्तों सही उत्तर है इसका हॉट, हॉट कहा जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यह है निष्कर्ष और कथन से। कथन है दोस्तों, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। निष्कर्ष है, कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं, प्रति व्यक्ति के जीवन में जोखिम लेना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। तो केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है, केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है, फर्स्ट व सेकंड दोनों तर्क संगत है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड तर्क संगत है। तो इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों डी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड तर्क संगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष से भी यही प्रश्न है। इसके अंदर कथन है, सभी कलम किताबें हैं, सभी किताबें मेज है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, सभी मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, सभी किताबें कलम हैं और कोई भी मेज किताब नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों
बी कुछ मेज कलम हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनिए। तो यूएई को DIRHAM कहा जाता है, तो कोरिया को क्या क्या कहा जाएगा? लीरा, क्यात, वोन, टाका। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी WON। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि ए बराबर 1 है तो ईट बराबर 26, तो सीट बराबर कितना होगा? 45, 44, 46 और 47। तो यह अपनी कॉपी के अंदर हल कीजिएगा इस प्रश्न को, रीजनिंग का ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 45। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो स्टेम सेल का प्रकार कौन सा नहीं है? नाभिरज्जु, भ्रूण, भ्रूणमूल्य और मेद। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी मेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है। तो इसका बिक्री डेटा आपको पता करना है दोस्तों, तो ये सारणी हम जान लेते हैं। तो इस सारणी से जुड़ा प्रश्न होंगे, इसका मैं जूम कम कर देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको स्पष्ट दिखे। तो ये सारणी है वित्तीय तिमाही व बिक्री लाख रुपए में। तो इसका प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है? तो 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है आप इस सारणी से जान सकते हो दोस्तों, और इसका उत्तर जान लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है सही बी 178 लाख। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी सारणी से रिलेटेड है, ये सारणी रही आपके सामने और ये रहा क्वेश्चन, आप इसका सही उत्तर जान लीजिएगा। तो FY13-14 की कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत में कितना है? कि FY12-13 से FY13-14 के में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास कितना है ये आपको बताना है। 20%, 22.5%, 25%, 27.5%। अगला प्रश्न भी दोस्तों सारणी से ही रिलेटेड है, जिसके अंदर ये आपके सामने एक सारणी है और इसमें से ये प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 31 लाख, 32 लाख, 34 लाख और 35 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी 35 लाख। अगला प्रश्न है दोस्तों, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक थे वो किस वंश से थे? मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश व चोल वंश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए मौर्य वंश। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि अगला प्रश्न है दोस्तों यदि ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिनों में कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर पर अनुपात 8:5 है, तो ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये आपको बताना है, 65 दिन, 40 दिन, 72 दिन और 104 दिन। तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए 65 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मस्जिद का कौन कौन सी मस्जिदों का निर्माण किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा व किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली। इनमें से कौन सी मस्जिद का निर्माण है जो मुगल शाह शाहजहां द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं, इसका सही उत्तर है दोस्तों ए जामा मस्जिद दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी? श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी ये आपको बताना है। 1948, 1972, 1947 और 1968। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए 1948। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक होती है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 5 मीटर, 12 मीटर, 7 मीटर और 9 मीटर। ये अपनी कॉपी के अंदर आप सोल्व कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर होगा ए 5 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, उसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी और कामकाजी आदमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप गैस कीजिएगा, इससे पहले कि हम चलते हैं अपने सही अनुस्वर पर। सही अनुस्वर होगा इसका बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान आदमी है जो इसका सही आंसर हो गया। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान आदमी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 13/21, 57/97, 52/94 और 37/79। तो ये कुछ दिए हुए हैं आपके बीच आपके सामने नंबर, और इसको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, क्रम वाइज बताना है। तो डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 2011 के अंदर कौन से देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है आपको बताना है दोस्तों। इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, स्लोवाकिया और ब्रुनेई, इनमें से एक सही उत्तर है जो आपको चुनना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि स्टूडेंट के लिए NVPFZPO लिखा जाता है तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा? ये रीजनिंग से क्वेश्चन है दोस्तों। OGVECGM ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है OZVXCBM, सी ऑप्शन है VGCEJGT और डी ऑप्शन है VZCXJBT। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों, जो कि आप अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व कर लेना। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो चैनल को आप कर ही लोगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, OGVECGM। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो EPROM, RAM व EEPROM व ROM, तो इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, ROM। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात 7:2 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 1600, 1200, 1400, 1800, इनमें से सही उत्तर आप सॉल्व कर लीजिएगा प्रश्न को, और चलते हैं अपने सही उत्तर पर। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका सी, 1400 रुपये इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि हेल्थ को IDBKUG कहा जाता है तो हॉस्पिटल को क्या कहा जाएगा? IQUQ, KRBK व ITTNJRBJ, IPTQJUBM व INTOJSBK, इनमें से कौन सा है जो हॉस्पिटल का कोड बनेगा? तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं दोस्तों, ये है डी, INTOJSBK। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने, माइकल ओ डायर ने, HHR स्क्विथ ने, विंस्टन चर्चिल ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे? अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20,000 की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 97,240 रुपये, 1,17,128 रुपये, 1,15,200 रुपये व 1,20,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो जान लेते हैं, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 1,17,128 रुपये। दोस्तों अगला प्रश्न है, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुने, तो बिहार को पटना, तो गुजरात को क्या कहा जाएगा? बिहार पटना, पटना बिहार की राजधानी है, तो गुजरात की राजधानी दोस्तों अहमदाबाद, दमन, जयपुर और गांधीनगर, इनमें से कौन सी है ये देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, गांधीनगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो एटलस, LCO, इनिक व लिंक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये विभाग की तरफ से नहीं बताया गया इसका सही उत्तर, तो ये क्वेश्चन डाउटेड क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, 10 वर्ष, 36 वर्ष, 32 वर्ष और 40 वर्ष। तो इनमें से सही उत्तर आप चुन लीजिएगा, और इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 36 वर्ष। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 35, 25, 23, 26, 29, 31 और 39 और 11 की माध्यिका का ज्ञात कीजिए। तो 25, 26, 29 और 31, इनमें से कौन सी माध्यिका है इनकी
जो कि आप जानिएगा, तो इसका सही उत्तर है बी 26। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात करो। इसका मूलधन आपको ज्ञात करना है दोस्तों, तो 3500 रुपये, 4000 रुपये, 4500 रुपये और 5000 रुपये, इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इनमें से सही उत्तर दोस्तों डी 5000 रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2/5 + 2/9 / 2/5 + 5/9 का सरल को सरल करना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 28/45, 28/43, 27/34 और 7/17। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी 28/43। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इनमें से सत्य है आपको बताना है दोस्तों, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। तो इसका सत्य कौन सा है इसमें से आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है ए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुने, लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून व शनि ग्रह है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए लुब्धक। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम है जो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है, रूटाइल, हिमेटाइट, चूना पत्थर व पिंच ब्लेंड। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी पिंच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना है? तो न्यू प्लेनेटस, न्यू होराइजंस, कैसिनी, सोल्टिस व यूरोपा। इसमें से सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा अंतरिक्ष यान था, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी न्यू होराइजंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है, तो दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं, तो क्यू अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा? 33, 22, 66 व 99। इनमें से सही उत्तर है दोस्तों वह सी 66 दिन समय लेगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं तो यह अपने अंकों की योग की 7 गुना हो जाती है, यदि दो अंकों की संख्या क्या है? यह दो अंकों की संख्या क्या है? तो 24, 12, 48 और 36, इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है, इसका सही उत्तर है दोस्तों डी 36। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी कौन से देश में किया गया था? तो 2016 के अंदर दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी रोधी दवा थी, उसका लॉन्चिंग कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ए भारत के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl है जो किसका रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है, अमोनिया, पानी, नमक और चीनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी नमक, नमक का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है नाव और धारा से दोस्तों, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से शहर एक्स की ओर वापस आती है, यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है? ये आपको बतानी है, 36.5 किलोमीटर घंटा, 34.5 किलोमीटर घंटा और 37.5 किलोमीटर घंटा और 33.33 किलोमीटर घंटा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 सी 37.5 किलोमीटर घंटा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जापान। तो दोस्तों ये देखो 2019 का क्वेश्चन है, ये 2015-16 के अंदर पूछा गया था, तो अब आप आने वाले रग्बी विश्व कप की जानकारी रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जापान, रग्बी विश्व कप कहाँ की मेजबानी कौन करेगा ये आपको जानना है, तो इसका सही उत्तर है जापान। जापान है जो रग्बी विश्व कप 2019 की मेजबानी करेगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर,
घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है, तो पी की औसत गति कितनी है? तो औसत गति निकालनी है दोस्तों आपको, तो ए ऑप्शन है 60 किलोमीटर घंटा, बी ऑप्शन है 63.33 किलोमीटर घंटा, सी ऑप्शन है 59.33 किलोमीटर घंटा और डी ऑप्शन है 62 किलोमीटर घंटा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये है बी, 63.33 किलोमीटर घंटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया, यदि यह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती? तो 5%, 10%, 12% और 15%, इनमें से सही उत्तर है दोस्तों इसका ए, 5%। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोयल 31, 59, 12 और पोलिस 16, 15, 12, 935 तो प्राइस को क्या कहा जाएगा? प्राइस के लिए कौन सा कोड होगा दोस्तों ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, 16, 18, 935। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71 और 77 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों जो संख्या दी हुई है उनका, तो इसका उत्तर क्या होगा? 73, 74, 75 और 72, इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो जान लेते हैं इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, 75। अगला प्रश्न है दोस्तों, सी आर आई एस पी आर का अभिप्राय क्या है दोस्तों? कैटेगरिकली रेगुलरली, इंटरसस्पेंड, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिजर्व। वह कैटेगरिकली रेगुलरली इंटरसस्पेंस, संट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्लस्टर्ड, रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स। और कैटेगरिकली रेगुलरली इंटरसस्पेंड, स्पेस्ड, शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, इनमें से कौन सा सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा, केरल, बिहार और मध्य प्रदेश, इनमें से सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, बिहार का लोक नृत्य है रामखेलिया। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का महत्व समापवर्ती HCF और लघुत्तम समापवर्ती LCM क्रमशः 7 और 252 है, तो यदि एक संख्या 28 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 252, 63, 126 और 56, इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 63 है जो इसका सही उत्तर है। और आप दोस्तों अपनी पेन और कॉपी के अंदर सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बाद में उत्तर दिखा रहा हूँ। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस उपग्रह को 15 फरवरी में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए SpaceX द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड, संचार प्रणालियों और पृथ्वी के नज़दीक उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? तो DSLR, DSCOVR, XPLR और DLVR, इनमें से कौन सा उपग्रह है जो पृथ्वी की संचार प्रणाली को नुकसान कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, DSCOVR। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो ये कथन और निष्कर्ष से है अगला प्रश्न जो कि हम पढ़ लेते हैं। तो ये रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था, तो रंजीत है उनको अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था, तो पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है पर रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है। तो इनका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्कसंगत है, केवल निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्कसंगत है, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड तर्कसंगत है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड तर्कसंगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवाल को जवाब दें। तो चाय पीने वालों को दर्शाता है ये, और कॉफ़ी पीने वालों को दर्शाता है, रस पीने वालों को दर्शाता है, ये तीन आपको आकार दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा रस पीने वालों को दर्शाता है, कॉफ़ी पीने वाले को दर्शाता है या चाय पीने वालों को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों कि कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 164। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि एक ग्राफ दिया गया है उसमें से आपको चुनना है।
तो ये प्रश्न है, कितने लोग चाय और कॉफी पीते हैं लेकिन रस नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, 45। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इसी तरह ग्राफ दिया गया है, इनमें से आपको चुनना है। तो इसका प्रश्न है, कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, 36। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है और वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी और शून्य हो जाएगी। तो विज्ञान का क्वेश्चन है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। इसका सही उत्तर है आधी घट जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए उसे व्यवस्थित करें। तो ऑल पीपल ट्रूथ इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट अराउंड द वर्ल्ड ऑफ द अफेक्टेड हैज अफेक्टेड। तो उचित क्रम क्या होना चाहिए? एस आर क्यू पी, क्यू एस पी आर, पी क्यू आर एस व क्यू आर पी एस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, क्यू एस पी आर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिन्हों को उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। इनमें से कौन से चिन्ह इनके बीच लगाएंगे? तो 133 अनुस्वर आ जाएगा। तो संख्याएं दी गई है 25, 5, 17 और 9, बराबर 133 दिया हुआ है। तो नीचे जो चिन्ह दिए हुए हैं वो आपको चुनने हैं कि कौन कौन से चिन्ह इनके बीच लगाएंगे, तो ये अनुस्वर सही 133 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये है डी, एक्स गुणा प्लस और माइनस। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक दो अंकों की संख्या के अंक का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो 27 संख्या 27 से घटती है और बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, 85, 76, 67 और 58। तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, 58। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि विजोय शर्मिला से कैसे संबंधित है? यदि वह उन्हें अपनी नानी, अपनी माँ के माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है, तो इसका सही उत्तर होगा पिता, चचेरा भाई, दादा और मामा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, मामा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर, ड्यूक ऑफ कनॉट, सर जॉन आर्चर एवं सर एडवर्ड बोल्टले, सर क्लोड बोल्टले और सर जॉन बैग। तो अगला इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका व सख्त श्वेत रक्त कोशिका। इनमें से कौन सी कोशिका है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं, इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, लाल रक्त कोशिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, पी की लंबाई 5 फीट है और उसे उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट बनती है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए, 50 फीट, 36 फीट, 32 फीट और 30 फीट। इसका सही उत्तर आप जान लीजिएगा दोस्तों, अपनी पेन कॉपी के अंदर नोट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं, इसका सही उत्तर है सी, 30 फीट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो डेथ स्टाकर, स्कॉर्पियन, पहाड़ी बकरी, टाटरी ग्रेड व ब्लैक मांबा। तो इसमें से सही बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर है टाटरी ग्रेड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो कौन सा ग्रह है जिसके अंदर कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बृहस्पति, मंगल, शुक्र और नेपच्यून, इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी ग्रह नहीं है? तो सी, शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया, यदि 10% की छूट देने के बाद
भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 140 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, 132 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 3, 120 रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो इसमें से सही उत्तर आपको जानना है। तो इसका सही उत्तर हो गया बी, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्न में से कौन सा है। GSAT-7, GSAT-6, INSAT-4B व कल्पना-1। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, GSAT-7। अगला प्रश्न है दोस्तों 0.0081 भाग 0.09 को हल कीजिए। तो इसका हल करने पर कौन सा उत्तर आएगा, 0.09, 0.009, 0.09 और 0.0009। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 0.009। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और निष्कर्ष से। तो इस कथन ये है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक हैं, और निष्कर्ष है कुछ गायक लड़कियां हैं और कुछ गायक लड़के हैं। तो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट और सेकंड, दोनों तर्क संगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। तो 1900, 2012, 2014 और 1960, इनमें से कौन सा ओलंपिक खेल थे जिसके अंदर महिलाओं ने सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 2012 में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है और उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर और 14 मीटर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, 13 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन और जोल ग्लेन। तो इसका आपको बताना है दोस्तों, ये ग्रुप डी 2019 के अंदर भी प्रश्न आया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था, 1975, 73, 78 और 82। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, 1973 के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। तो चीन, बांग्लादेश, भारत और नेपाल, इनमें से कौन से देश में प्रवाहित नहीं होती है ब्रह्मपुत्र नदी आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, नेपाल के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और कनाडा, इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 60 लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 33.33%, 40%, 50% और 60%। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, 50%। अगला प्रश्न है दोस्तों एक 45 सेमी लंबी और 35 सेमी चौड़ी आयताकार चादरों के कोनों में से 5 सेमी की भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। 1200 cm³, 875 cm³, 1325 cm³ और 4375 cm³। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, 4375 cm³। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 78, 80, 84 व 82। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, 84। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से उस पर आधारित प्रश्नों के उपयोग करें। तो ये कुछ दिए हुए हैं, ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है जिससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। ये प्रश्न आराम से पढ़ लेना और इसका सही उत्तर है जो बी होगा पहले का, और दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी इसी टॉपिक पे आधारित है और इसका सही उत्तर भी आप दे देना दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है ये भी इसी टॉपिक से है और इसका भी सही उत्तर आप निकाल लेना। तो 87वां क्वेश्चन है
वो हम जान लेते हैं। यदि एक्स 393 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 5, 6, 7, 8 इसका सही आंसर होगा दोस्तों, डी 7, 8। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनीता अर्जुन के मामा हैं। अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। अनीता अर्जुन के से कैसे संबंधित है, बहन, माँ, चाची और बेटी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बी माँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13, 19, 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। तो 114, 114, 124, 124, 114, 141, 114 और 142, 214। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ए 114 और 114। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम व सिक्किम? तो इनमें से ए जम्मू कश्मीर के अंदर केसर की खेती की जाती है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? तो विलहेम रोएंटजन, फिलिप लेनार्ड, मेरी क्यूरी व विलियम कुक्रुक्स। तो अगला प्रश्न दोस्तों, ए इसका सही उत्तर है, ए विलहेम रोएंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। 84, 12, 5, 6 = 41। तो इनमें कौन से चिन्ह लगाएं कि ये बराबर 41 इसका सही आंसर बन जाए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, डी भाग, गुणा और प्लस। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना और तेल फैलना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सी तट पर मछली पकड़ना। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह कौन है दोस्तों? तो शिरीन इबादी, एलेन सरलीफ, तवाकुल करमान और लेमा है बोबी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, बी तवाकुल करमान को 2011 के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब की बार दोस्तों ये शांति पुरस्कार किसको मिला है ये आप ध्यान रखिएगा, इस पे एक वीडियो भी बनाई है मैंने, वो चेक कर लीजिएगा। तो इसका अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको इस कथन को सत्य मानना है कि भले ही ये सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल न खाता हो, और फिर यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा इस कथन से तर्कसंगत है। तो कथन, भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है, ये कथन है दोस्तों। निष्कर्ष है इसका कि भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है, और भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, डी न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड तर्क संगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो पुडुचेरी, पटना, सूरत व गोवा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर जो नहीं बताया आरआरबी ने। तो अगला प्रश्न है देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि ए बी सी तथा डी ई एफ समरूप त्रिभुज हैं जिसमें बी सी 4 सेमी, ई एफ 7 सेमी और ए बी सी का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, 252 वर्ग सेमी, 504 वर्ग सेमी, 441 वर्ग सेमी और 324 वर्ग सेमी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वह सी 441 वर्ग सेमी। अगला प्रश्न दोस्तों, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं, तो आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार व पानी की कमी? तो इसमें से सही उत्तर है दोस्तों, वह है ए आवास विखंडन। अगला प्रश्न दोस्तों, 3.26 × 7.2, तो इसका ऑप्शन होगा 20.342, 23.472, 22.012 और 21.432। तो इनके गुणा कीजिए, इसका सही उत्तर बताना है, बी 23.472। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड्स? तो इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों, सी मेंडलीफ। मेंडलीफ है वो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।